होगा। ठीक, जीनोन है, इसके वैलेंसी में ऑलरेडी आप जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्लोरीन इधर से इसको खींच लेगा, एक फ्लोरीन इधर से इसको खींच, तो ओवरऑल जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए यहां पे 2 बॉन्ड पेयर बन गए हैं प्लस 3 लोन पेयर बन गए, 5 हो जाएगा, sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और जब sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 लोन पेयर की कंडीशन है, तो इसको बोला जाता है ये जो ज्योमेट्री हो जाएगी ये बिल्कुल के बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। इसको बोला जाता है लीनियर ज्योमेट्री। दूसरा जरा देखो, XpO2F2 XpO2F2 किसको बोलते हैं, ठीक है ना, इससे देखो क्या होता है, जीनोन के वैलेंसी में वही जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन यो यहां पे एक रख दो, एक इधर रख लो, यहां से 2 खींच लेगा, यहां से 2 एक खींचेगा, समझ रहे हैं ना सभी लोग, एक फ्लोरीन इधर से इधर चला जाएगा, दूसरा इधर से इधर चला। डबल बॉन्ड में हमेशा मैंने बताया था ओनली एक ही बॉन्ड पेयर होता है, डबल बॉन्ड में ये मत कह लेना कि सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर होते हैं क्या, अरे सिग्मा बॉन्ड को ही आप बॉन्ड पेयर बोलोगे, पाई बॉन्ड को नहीं। आज भी बताया है, कल भी बताया था, कल परसों भी बताया था, और जब जब भी ये चैप्टर पढ़ोगे डेली डेली बताते जा रहा हूं, तो ध्यान रखेगा बच्चों। तो एक बॉन्ड पेयर ये हो गया 2, 3, 4, देयर इज द 4 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना है, एक इधर का बचा हुआ है और एक इधर का बचा हुआ है, देख लो 1 लोन पेयर, 5 हो जाएगा। तो इस ज्योमेट्री को बोलते हैं sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था, जब भी कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में या कोई भी स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है, तो उसको बोला जाता है सीसो ज्योमेट्री, समझ रहे हैं ना। आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी कॉपी में, आप लोगों ने बनाया होगा, उस ज्योमेट्री को बोलते हैं सीसो ज्योमेट्री। दिस इज कॉल्ड सीसो ज्योमेट्री। देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। XpOF4 का देखो, जीनोन के वैलेंसी में वही के वही जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्सीजन यहां से 2 खींच लेगा, एक फ्लोरीन यहां से खींच लेगा, दूसरा फ्लोरीन यहां से खींच लेगा, तीसरा इधर से खींच लेगा, चौथा यहां से खींच लेगा, और ये भी तो वही बन रहा है सीसो ज्योमेट्री, समझ रहे हैं क्या। तो यहां पे भी कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, एक मिनट है, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, देखो बेटा एक मिनट है, चेक कर रहा हूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा, 2 तो ये खींच लेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में क्या आया, ये अगला कोई दूसरा हाइब्रिडाइजेशन का केस आ गया, आगे वाले का केस आ गया है, तो sp3 d3 d2 के लिए आ रहा है शायद, तो फिलहाल इसके बाद वही पढ़ रहे हैं, है ना, तो लिख लेता हूं मैं, अब लिख लिया तो क्या करना, कोई दिक्कत नहीं है, मिटाएंगे तो नहीं, काम की चीज आओगी, ठीक है ना, इसके बाद पढ़ाने वाला हूं उसको, तो लिखा गया है मुझसे, तो आप मान के चलिए कि जो है अभी हम लोग पढ़ लेंगे। AsCl5 क्या होगा भाई, आर्सेनिक के कितना होता है, जितना नाइट्रोजन का होगा उतना ही इसी का भी होगा,
क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ सारे के सारे ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट है। नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी और बिस्मिथ सारे के सारे ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट हैं, ठीक है ना। और जब आप बोलेंगे सर ये ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट हैं, तो आप बोलेंगे जितने नाइट्रोजन के वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन होते थे उतने ही इस आर्सेनिक के भी वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। देखो बच्चों यहाँ पे मैं ए एस बना देता हूँ बेटा, 1 2 3 4 5, तो क्लोरीन एक इधर से दे दो, दूसरा क्लोरीन इधर से दे दो, तीसरा इधर से दे दो, चौथा इधर से दे दो, पांचवा। ठीक है, तो कितना हुआ देखिए, पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हो गए, और प्लस कितना लोन पेयर हुआ, जीरो, इक्वल टू 5 का मीनिंग sp3d, और ज्योमेट्री tb, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या किसी को जो मैंने अभी एग्जांपल बताए हैं उनमें से अगर किसी को डाउट है तो जरा पूछ लीजिएगा भाई, आप लोग कौन से नंबर का किसी को जानना है पूछो। अब अगला हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं sp3d2, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जब 1s का ऑर्बिटल 3p के ऑर्बिटल प्लस 2d के ऑर्बिटल से आपस में इंटरमिक्स होगा, एक नए टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, तो आप देख रहे हैं ओवरऑल 6 कंट्रीब्यूशन यहां पे आएगा, दिस इज कॉल्ड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर किसी मॉलिक्यूल में जरा देखिए बच्चा पॉसिबिलिटी कितनी है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। अगर किसी मॉलिक्यूल में 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर है, 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, जीरो लोन पेयर है, तो उसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी। ऑक्टाहेड्रल को शॉर्ट में OH से आप लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होती है। अब ये ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है जरा देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है देखिए, एक स्क्वायर ऐसा बनाना है, एक लाइन यहां से खींचनी है, एक लाइन यहां से खींचनी है, खींच लेंगे सभी लोग। अब करना क्या है बेटा, एक इधर से ऊपर को पिरामिड लगाना है, दूसरा इधर से इधर को, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। चाहे तो इधर आप डैश डैश लाइन भी खींच सकते,
बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, समझ रहे हैं, इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। अगर किसी मॉलिक्यूल में पांच बॉन्ड पेयर है और एक क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा, उसी के सीधे में लिख रहा हूँ, देखो। अब इसका कंडीशन थोड़ा अलग है, इसमें क्या होगा बस ऐसे ही थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ऑक्टाहेड्रल था तो ये ऐसा हो गया, और यहां पे इसको लोन पेयर बोल दो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर है और ऊपर साथ में एक पिरामिड लगा हुआ है, ऐसे चाहे तो लगा लेना, चाहे लगा दे। एक और लास्ट कंडीशन, इसके तीन पॉसिबल ज्योमेट्री हैं, उससे ज्यादा नहीं है, नहीं है तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, समझ जाइए आप। तो चार अगर बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, दो लोन पेयर होंगे, तो मतलब ऐसा बन जाएगा ये, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, ठीक ना। इसको बोला जाता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। हो जाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक और लास्ट हमारे पास होता है sp3d3, 1s ऑर्बिटल प्लस 3p ऑर्बिटल प्लस 3d इक्वल टू 7। इसका एक ही पॉसिबल फिलहाल आपके सिलेबस में है, मैं ओनली वही बता रहा हूं। इसमें जब 7 के 7 बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर हो जाएगा, तो उस टाइप की ज्योमेट्री को बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। आपके पास फिलहाल एक ही है तो मैं इसी को बता रहा हूं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ऐसा पेंटागोन बना दीजिएगा, ऐसा पेंटागोन सा बनाना है, और ऐसे दो पिरामिड लगा देना है, इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल, समझ रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, चलिए आइए इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा एग्जाम्पल तो नहीं है, है? फिर उसके बाद कुछ और करेंगे, दोनों के लिए हम कर रहे हैं, दोनों के लिए क्या, उसके लिए बस एक ही टाइप का स्ट्रक्चर आता है, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल आएगा, बस इसमें बताते हैं। पहली बात SF6 एक मॉलिक्यूल, देखिए सल्फर की वैलेंसी में ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्लोरीन है, दूसरा फ्लोरीन है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा। एक फ्लोरीन यहां से खींचेगा, दूसरा इधर से खींचेगा, तीसरा यहां से, चौथा यहां से, पांचवा। आपने देखा कि 6 के 6 इसमें बॉन्ड पेयर है, प्लस 0 क्या बेटा इसमें लूज पेयर, ओवरऑल कितना हो जाएगा 6। तो इसको बोलते हैं, ये जो ज्योमेट्री होती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की है, और इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल बात ये मैंने बताई है। एक और बना देता हूं मैं, उससे पहले अभी एक XeOF2 का बताया था ना, XeOF4 था या क्या था, तो वो भी अभी आपने देखा होगा, वो भी आपका
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आ रहा था, देख लीजिएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में आ रहा होगा उसको, उस मॉलिक्यूल के बारे में सब लोग चेक करिए। एक और ये बना देता हूं मैं, लास्ट वाला देखिए, सल्फर की वैलेंसी में 1 2 3 4 5 6, एक फ्लोरीन यहां से इधर जलाएगा, एक इधर चला जाएगा, देख रहे हैं चारों के चारों बॉन्ड पेयर है और प्लस वन के एबिटेस में लोन पेयर है, 5 हो रहा है, तो इसका मतलब ये sp3d का आ रहा है, d2 का नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। अब सारा पढ़ा दिया तो अब आपको सारा आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा एक और देखिए, एक और देखो बच्चों, IF7 2018 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या होगा। आई की वैलेंसी में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इसकी। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो बताओ, और टाइम भी होने वाला है, 5-10 मिनट ज्यादा बचे हुए, ठीक है ना। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, अब मैं किसी का भी दे सकता हूं, समझ रहे ना। अब आप ये नहीं बोलेंगे सर आपने इस हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ाया नहीं तो आप नहीं दे सकते, कोई भी आपको मिल सकता। शेप और हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, इनके शेप बताना है, प्लस ये चेक करना है कि कौन से मॉलिक्यूल, कौन कौन से मॉलिक्यूल की रेगुलर या आइडियल ज्योमेट्री है, रेगुलर या आइडियल ज्योमेट्री है कौन कौन से मॉलिक्यूल की है, ये बात भी आपको बतानी है। करो बेटा आराम से इसको सॉल्व करो।
हो गया, जल्दी करो बेटा, टाइम हो रहा। चलिए मैं इसको कर देता हूँ, टाइम हो गया है। उनके आंसर में डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए XeO2 तो ये तो बड़ा आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन ऐसे यहां से खींच लेगा, एक फ्लोरीन यहां से खींच लेगा, ऐसे खींच लेगा, देख लीजिएगा तो आप देख रहे हैं 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है, तो ऑक्टाहेड्रल इसका ज्योमेट्री हो जाएगा। पहले वाले का ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, दूसरे वाले का हो रहा होगा sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा, सीसॉ ज्योमेट्री इसका बन रहा होगा, देख लीजिएगा बेटा इसको, इसका बन रहा होगा sp3 टेट्राहेड्रल बन रहा है, और जनरली ये स्क्वायर प्लैनर होता है लेकिन फिलहाल इसको टेट्राहेड्रल बोलिएगा, समझ रहे हैं ना, जनरली ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना, फिलहाल इसको आप टेट्राहेड्रल ही बोल के चलिए जब तक मैंने कुछ बोला नहीं। इसका भी sp3 हो रहा होगा, इसका ज्योमेट्री पिरामिडल हो रहा होगा, ठीक है ना, इसका ज्योमेट्री जो है पिरामिडल हो रहा होगा, और इसका आपका हो रहा होगा लीनियर ज्योमेट्री एसपी है। बेटा किसी को कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो, मीटिंग एंड कर रहा हूं बेटा, टाइम हो गया, जल्दी बोलो, टाइम हो गया है, बोलो क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है बेटा? यस ओके। और किसी को कुछ? तो फिलहाल के लिए ठीक है, मैं क्लास को रख देता हूँ, है ना, ओके।